अभी जो डुबरा लगा रखा हाँ वो डुबरा अंदर को डुबरा दिखा रहा है और वो वाला एरिया खुला है गिलगित वाला नहीं वो उधर शायद नहीं छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा ऑलराइट सो वी आर लिविंग फ्रॉम खारदुंगला। हम लोगों ने खारदुंगला देख लिया, फोटो फोटो खिंचा ली, एक चाय भी मार ली हम लोगों ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे में। सो इट्स टाइम टू लीव और हम लोग अभी जा रहे हैं नुब्रा। सो बेसिकली दिस इज द कंटिन्यूशन व्लॉग ऑफ द लास्ट व्लॉग, लंबा ना जिसलिए मैं दो व्लॉग में डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से नुब्रा स्टैंडियंस इज 86 किलोमीटर्स, सियाचिन 164, देखते हैं सियाचिन अगर हो पाया। इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून। चले विहान, चलो। ऑलराइट सो फॉर मी आल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू नुब्रा वैली जस्ट आफ्टर खारदुंगला। और अब यहाँ से ढलाई शुरू हो जाएगी, नुब्रा वैली है तो वैली ऑफ कोर्स नीचे जाके होगी। यू कैन सी द स्नोफॉल, इट्स अ फ्रेश स्नोफॉल। अब ये जो पानी है ये एक्चुअली ये जो स्नो है ये मेल्ट हो जाती है। लुक एट दिस माउंटेंस यार, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, मज़ा ही आ गया था देख के। देखो ये फ्रेश स्नोफॉल है जो खारदुंगला में एक दो दिन पहले हुई होगी, हमारे टाइम नहीं हुई। उसी रोड से हम आया, लुक एट दैट। और वो जो दिख रहा है आई डोंट नो दिख रहा है नहीं पोल सा, वो था खारदुंगला और हम वहाँ से पूरा हुए हैं। क्या मस्त व्यू है और मस्त रोड है यार, परफेक्ट। अब रास्ता थोड़ा सही है, यू कैन सी टोटली ढलाई है जब से हम खारदुंगला से निकले, टोटली यू नो डिक्लाइन। अभी नॉर्थ पुल्लू यहाँ से 6 किलोमीटर है, नॉर्थ पुल्लू में कुछ खाएंगे। एक्चुअली हमने सिर्फ चाय पी थी खारदुंगला में तो कुछ खाया नहीं था, तो भूख लग रही है मेरे को बिकॉज लंच टाइम हो गया, इट्स 3 in the afternoon। वैसे हम ब्रेक लेके भी हम 5:30-6 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे नुब्रा, सो डोंट नीड टू यू नो वरी। Alright, so we have reached North Fullu. ये आर्मी का एरिया है, altitude 15,300 feet, अगम 65, सोमोर 66, डिस्ट्रिक्ट 66, क्या बात है, सब 66, क्या बात है, आर्मी। They are playing cricket. What a sight to see, army personnel are playing cricket. क्या बात है, ओ कैच ड्रॉप्ड। ऑलराइट सो आफ्टर लिविंग फ्रॉम खारदुंगला अभी हम लोग नॉर्थ पुलू पहुंच गए हैं एंड स्टॉप्ड हेयर फॉर समथिंग बिकॉज भूख लगी थी। 3:15 हो गए हैं, लंच का भी टाइम हो गया है और ये वाला जो रूट है हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलो अभी कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बहुत भूख लगी है। परांठे आर रेडी और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको खाने का ऑप्शंस मिल जाएगा नॉर्थ पुल्लू में। सो खारदुंगला से नॉर्थ पुल्लू ही इस 14 किलोमीटर्स और यहाँ से नुब्रा अप्रॉक्सीमेटली हमें लगेंगे 1.5 से 2 घंटे, फिर देखते हैं। चार हो गए। ऑलराइट सो लिविंग फ्रॉम नॉर्थ पुलू, यहाँ पे अपने एंट्री कराई, आधार कार्ड का नंबर, जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन का
उसका आप एक प्रिंट आउट ज़रूर लेके आना जब आप नुब्रा वगैरह जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे, तीन चार प्रिंट आउट रख दो, प्रिंट आउट दे देना इनको। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो मैनुअली आपको सारा फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो मैंने सारा फॉर्म फिर से भरा बिकॉज मेरे पास पीडीएफ था, प्रिंट आउट नहीं था। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि प्रिंट आउट लेके रखो टू सेव योर 10-15 मिनट्स। सो इट्स 4:15 इन द इवनिंग, मतलब रोड साफ हैं तो हम लोग 2 घंटे लगेंगे, तो बाय 6:30 वी विल बी ट्राइंग टू रीच नुब्रा। वैसे ये हमने कंफर्म किया लोकल से तो वो कह रहे नुब्रा वैली स्टार्ट हो गई है, सो इट्स अ गुड थिंग कि हम नुब्रा में एंटर कर चुके हैं। द रोड्स आर गुड, नो डाउट। यहाँ से चालुका 137 खारदुंग 70 ले 55, तो यहाँ से ले 55 है नॉर्थ पुल्लू से। यहाँ पे तो अपने को सिर्फ सैडलिंग ही चाहिए, अ गुड सैडलिंग मीन्स अ ईजी ऑफ रोड पैच। सो वी हैव रीच्ड खारदुंग विलेज। खारदुंग विलेज के आगे डिस्किट, हुंडर एंड नुब्रा। होपफुली आपको यहाँ के ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। आजकल थोड़ा सा इशू हो गया ड्रोन उड़ाने के लिए, सो हम लोग पूछ पूछ के उड़ाते हैं ड्रोन। मतलब ऐसे कहीं पे आर्मी वगैरह की कोई भी लॉ हम ब्रेक नहीं कर रहे बिकॉज मेरा तो रजिस्टर्ड ड्रोन है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। सो खारदुंगला पास है और खारदुंग एक विलेज है, सो आप कंफ्यूज मत होना दोनों में। खारदुंगला पास के आगे आता है खारदुंग विलेज। सो दिस इज हाउ दिस स्टोरी गोज। नाउ दीज आर वेरी गुड रोड्स इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस ऑफ रोड पैच जो था, और ये वाला रूट मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, सो आई एम एक्सप्लोरिंग इट ऑल्सो। एंड व्हाट अ वंडरफुल व्यू, आपने ऑलरेडी ड्रोन शॉट्स में देख लिया कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन शॉट्स एंड ऑल। 5:30 हो चुके हैं शाम के, बट नाउ द रोड इज़ वेरी गुड विच इज़ अ गुड थिंग, वी विल बी एबल टू रीच इन 1 आवर। अभी हमें ये नहीं कन्फर्म है कि हम डिस्किट रुके हुंडर रुके। कल हमारा नुब्रा से तुरतुक वगैरह का जाने का प्लान है, गिलगित बल्टिस्तान अगर जा पाए तो, बिकॉज पहले लोग जा चुके हैं और अब वो बंद कर दिया बिकॉज ऑफ बैड टूरिस्ट हु फ्लाई ड्रोन ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर विच इज़ अ क्या बोले यार। अरे यार पहाड़ों का व्यू लिया करो यार, ड्रोन से बॉर्डर के पास उड़ाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। चलो कल देखेंगे वो कल का क्या सीन बनता है। अल्टीमेट व्यू यार, अल्टीमेट। यहाँ इंडियन आर्मी का पोस्ट है, नुब्रा वैली हुंडर डिस्किट स्ट्रेट यू हैव टू गो। यहाँ से ये रास्ता दिखा रहा है, नुब्रा वैली हुंडर और डिस्किट, ये सीधा रास्ता यहाँ है। लुक एट द व्यू, बाप रे बाप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। जिंदगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज नुब्रा वैली फॉर यू, अल्टीमेट सीन्स ऑफ नेचर। If you really think the environment is less important than economy, try holding your breath while you count your money. Wow, यार क्या लाइन, पता नहीं कौन लाइन लिखता है ये, अल्टीमेट लाइन्स। Look at those humongous mountains. प्यारा यार, बहुत प्यारा, something extraordinary यार। River side में flow कर रही है right hand side पे और हम लोग bikes पे इस ब्यूटीफुल ट्रैक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज़ जिंदगी, दिस इज़ लाइफ।
लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा, कितना बेहतरीन। सो वी हैव टेकन द लेफ्ट फॉर डिस्किट हुंडर एंड नुब्रा। क्या रोड आ गई है यार नुब्रा की, यहाँ से डिस्किट हुंडर एंड नुब्रा। अभी तक हम ये कंफ्यूजन में है कि नुब्रा कोई जगह है या ओवरऑल सारी जगह को नुब्रा वैली बोलते हैं। वो डिस्किट हुंडर में जाके पता चल जाएगा लोकल से कि आज का स्टे कहाँ लेना हमने। बट वाईफाई इज मस्ट बिकॉज मैंने अभी डे वन का ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो प्रॉबेबली कल डे वन का ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। सो वी आर अबाउट टू रीच डिस्किट। कितनी सोहनी जगह है यार, कितनी प्यारी जगह है नुब्रा वैली। फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग एंड इट्स सच अ ट्रीट टू राइड ओवर हियर। स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अभी जो नुब्रा लगा कर, हाँ वो नुब्रा है, अंदर को नुब्रा दिखा रहा है। अच्छा, क्योंकि मैप में ऐसे दिखाता है, फिर नुब्रा से हुंडर डिस्ट्रिक्ट इधर दिखाता है। नुब्रा का जो मैप, हाँ मैं समझ गया, मतलब वैली है, कोई नुब्रा जगह नहीं है, पूरा एक कॉमन है। तो अभी ऑप्शन स्टे के ऑप्शन कहाँ का? अभी आप डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं। हाँ, जो है नुब्रा का मेन जो सिटी यही है। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, सारा चीज यहाँ पे है। आगे गाँव है अभी, सारा गाँव। अच्छा, जैसे यहाँ हुंडर आएगा, फिर प्रतापपुर, ऐसे इस तरह तुर तुक तक आते हैं। अच्छा, साइड से फिर आते हैं पनामी का आता है, तो ये बहुत सारे गाँव है छोटे छोटे। अच्छा, दूसरा आपको कैमल ड्राइविंग वगैरह हुंडर में मिलेगा, सैंड व्यू मिलेगा। अच्छा, जो यहाँ होटल है वाईफाई वगैरह मिलता है? सभी में, सब में मिलेगा। और कहाँ पे, अब कहाँ क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? चलो दिखा लेते हैं, देखो पेड़ के पास है, चलो। वाईफाई बढ़िया होना चाहिए, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे व्लॉग एडिट करना होता है, समझ ही हो गया कैमरा मेरे पास। स्पीड अपलोड हो जाएगा वीडियो। बीएसएनएल है बिल्कुल, एयरटेल नहीं है यहाँ पे, बस ओनली बीएसएनएल है। चलता फाइबर है, बस अपने हिसाब से चलता हो। पता चला चला ही नहीं। यहाँ से हुंडर कितना पड़ता है? 7 और तुर्तुक 97। और वो वाला एरिया खुला है गिलगित वाला? नहीं, वो तो शायद नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो इसी कोविड के चक्कर में जो ना बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहा, खाली तुर्तुक विलेज तक छोड़ेगा, तुर्तुक गांव भी देखने का लायक है। अच्छा, एक सेकंड मैं दोस्तों से पूछ लेता। ऑलराइट, सो इट्स 10:40 इन द नाइट एंड वी हैव रीच्ड नुब्रा अराउंड लाइक 7:15 के अराउंड हम पहुंच गए थे नुब्रा वैली। और जो खारदुंगला से आगे का रास्ता है वो पूरा नुब्रा ही बंद हो जा जो खारदुंगला से आगे का रास्ता है वो पूरा नुब्रा वैली ही है। और अभी हम जो रुके हैं वो है डिस्किट, जगह का नाम है डिस्किट। और अभी मैं एडिटिंग कर रहा था अपनी फर्स्ट ब्लॉग की, और ये मैं करते करते सो गया था। बट एनीवेज, यहाँ पर सब चीज़ें चार्ज हो रही हैं, ये मेरा चार्जिंग बोर्ड है एक्सटेंशन, इसमें सब चीज़ें मैंने लगाई हैं, सब चीज़ें चार्ज हो रही हैं। और ये हमारा सामान इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ है, हेलमेट्स, ये वो सब। तो नुब्रा वैली बहुत अच्छी लग रही है हमें, रास्ता इतना ब्यूटीफुल था, इतना पिक्चरेस्क्यू था, मज़ा आ गया पूरी राइड करके। और अभी डिस्किट में हम हैं, मतलब यहाँ से ले से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 130-135-140 किलोमीटर चलाया होगा। बहुत अच्छी राइड थी, बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में। और अभी क्या सीन है कि अभी बज रहे 10:45, 11 बजे यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है, तो मुझे अपना व्लॉग फटाफट एंड करना है बिकॉज़ ये लाइट बंद हो जाएगी, वाईफाई बंद हो जाएगा। और राइट नाउ इट्स 10:47, तो फटाफट हम इसको वाइंड अप करते हैं आज के व्लॉग को। आपको छोटा सा रूम टूर देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई रूम वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, मिल भी सकते हैं बट डिपेंड्स ऑन द बजट। सो दिस इज़ द रूम जो हम लोगों को मिला है, एक बेड है, डबल बेड है, उस पर ये सब सामान रजाई वगैरह दी है, वॉशरूम भी अच्छा है, क्यूट है, कोजी सा रूम है। अभी हमारा सीन ये है कि हम लोगों ने जो एक्सप्लोर करना है नुब्रा वैली को, उसमें हम लोगों को सामान नहीं लेके जाना बाइक पे,
ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है हम लोगों के लिए। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 बजने, लेकिन हमारे पास भी अभी खाना हमारा रेडी नहीं हुआ है। हो गया अभी हो गया, लेकिन बहुत भूख लगी है। तो 11 बजे लाइट बंद हो जाएगी, तो अभी वाइंड अप करते हैं इस व्लॉग को, है ना। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डे 6 व्लॉग ऑफ द लद्दाख सीरीज। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने लद्दाख सीरीज पूरी नहीं देख रहे हो तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप डे 1 से देखो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हम कैसे कैसे यहाँ पे पहुंचे। कल का व्लॉग जो होगा उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे नुब्रा को, प्रोबेबली गिलगित बल्टिस्तान वाला एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, और टुटुक भी जाने का प्लान है, सैंड ड्यून्स में भी जाएंगे, बहुत चीजें होंगी। सो विद दैट सेड, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम अस, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मुझे एंड करने दो यार, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, राइड आर राइट सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मेरे को बोलने दे, खाओ पियो, मैं जिक्र ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो। और हमारा लद्दाख ट्रिप कैसा जा रहा है, हाउ इज द जोश? हाय हाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद अ धमाकेदार व्लॉग। और प्रॉब्ली कल जो है हमारा काफी एडवेंचरस राइड होगी, बिकॉज ये टुटुक विलेज काफी अनएक्सप्लोर्ड है हमारे लिए, और वैसे तो नुब्रा भी फर्स्ट टाइम था। बट जो भी होगा आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।